All right, so you guys, what's up everybody, this is Sahil again back with a new video. So आज की वीडियो मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ पतंजलि दंत क्रांति का, तुम देख सकते हो, तो इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे. सो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, बट मुझे लग रहा है तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, तो क्या कर रहे हो डूड, जल्दी सब्सक्राइब कर दो और पास में दिया बेल आइकन भी प्रेस कर दो, तो चलते हैं वीडियो तरफ. सो तुम देख सकते हो यह दंत क्रांति पतंजलि की, तो इसको हिंदी में पंतजलि कहते हैं और पतंजलि में अगर हम इसका नेम पढ़े तो इसको पतंजलि कहा जाता है. तो तुम देख सकते हो यह दंत क्रांति, इसका प्राइस पीछे लिखा हुआ है 45 रुपीज़ की है ये, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दी हुई है. तो ये 18 मंथ्स के बाद एक्सपायर होती है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तुम देख सकते हो. तो ये काफ़ी अच्छी टूथपेस्ट है, तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. 3 से 4 ईयर्स हो गए मेरे को इसको यूज़ करते हुए. तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, फर्स्ट टाइम मुझे इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगा था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था. देन उसके बाद मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ तो मुझे कोई भी इसका अजीब टेस्ट नहीं लगता, बिकॉज हमारी टैंक पे ये लग जाता है तो उसके कारण हमें टेस्ट का पता लग जाता है. तो तुम इसको यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, ये आयुर्वेदिक है तो मैं भी इसको यूज़ करता हूँ. तो बट कुछ थोड़े से केमिकल्स इसमें ऐड किए जाते हैं, बट दूसरों के मुकाबले काफ़ी कम केमिकल्स इसमें ऐड है. तो सो ये नेचुरल वे से बनाई गई है, और अदर हम यूज़ करते हैं जैसे और कोई भी पेस्ट हो जाता है कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी में, कहते हैं फ्रेश फील करोगे या कुछ भी, तो उसमें काफ़ी केमिकल्स ऐड होते हैं. तो इसमें नेचुरल जो भी है इसमें ऐड है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह तुम देख सकते हो. तो ये आयुर्वेदिक थ्रू बनाई गई है, सो कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं इसमें. तो ये आयुर्वेदिक जो भी इसमें ऐड है तो ये सब दिए हुए हैं यहाँ पे, तुम देख सकते हो. मैं इसकी साइड में पिक दे दूंगा. तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है, टीथ वाइट भी रहते हैं, ऐसा नहीं तुम्हारे टीथ काफ़ी ज़्यादा येलो होने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. इसका कलर सिर्फ ब्राउन है, तो ये काफ़ी अच्छा है. तो इसका ओपन भी बड़ा है मेरे पास, ये पैकेजिंग आ जाती है यहाँ से, तुम देख सकते हो कंप्लीट पैक है. तो इसकी मैं पैकेजिंग दिखा देता हूँ अंदर से. सो इसकी तुम अंदर से पैकेजिंग देख सकते हो इस वे से है, तो तुम भी लेना चाहो ले सकते हो इसको, मार्केट से इजीली तुम्हें मिल जाएगा कोई भी पतंजलि स्टोर पे. तो ये काफ़ी अच्छा टूथपेस्ट है, मैं कोई भी और भी यूज़ करता हूँ उससे काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा, बिकॉज ये नेचुरल बनाया गया और इंडियन प्रोडक्ट है स्पेशली. तो तुम भी इसको यूज़ कर सकते हो. कोई टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के जस्ट बाद हम कुछ खाने जाते हैं तो काफ़ी अजीब सा फील होता है, मतलब टेस्ट ही चेंज हो जाता है मुंह का. तो उसमें कुछ केमिकल होते हैं उसके कारण हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है. अगर तुम इसको यूज़ करोगे तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, और तुम्हें पानी भी ठंडा नहीं लगेगा. अगर हम पानी पीते हैं वो भी अलग सा लगता है. तो इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा. तो मैं अभी तुम्हें यूज़ करके भी दिखाऊंगा और अंदर से भी दिखा देता हूँ ये कैसा है. सो तुम देख सकते हो ये ब्राउन कलर के अंदर से. सो मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा, बिकॉज मैं यूज़ करके इसलिए दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं हर प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाता हूँ. तुम बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि मैं क्या कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मतलब उगली फील करोगे तुम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज मैं यूज़ करके इसलिए दिखाता हूँ, मैंने काफ़ी लोगों के देखा है कमेंट में, लोग बोलते हैं कि तुम खुद तो यूज़ करके नहीं दिखाते और तुम प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो. तो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, मैं हर वीडियो यूज़ करके दिखाता हूँ, कोई भी मेरा प्रोडक्ट हो चाहे उसका मुझ पर साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा हो, तो जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं उसको यूज़ करके दिखाता हूँ. तो मैं इसको भी यूज़ करके दिखाऊंगा. तो हमें पेस्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं लेना होता, थोड़ा सा ही लेना होता है. तो अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ. सो मैं अपने ब्रश को गीला कराया, तुम देख सकते हो. तो मैं ओरल बी का इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ कर रहा हूँ. अगर तुम्हें भी ये बाय करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम बाय कर सकते हो. तो ये हमारा पेस्ट तुम देख सकते हो. तो मैं इसको लगाने के बाद थोड़ा यूज़ करके मैं डायरेक्ट इसको वॉश करने चला जाऊँगा, तो ये वीडियो साइलेंट रहेगी. सो तुम देख सकते हो ये रहा. सो बिल्कुल थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना चाहिए तुम्हें जब भी लो, बिकॉज ये वेस्ट ही होता है बाद में. मैंने काफ़ी बार देखा है काफ़ी लोग काफ़ी सारा ले लेते हैं, जैसे तुम्हें वीडियोस वगैरह में दिखाया जाता है टीवी वगैरह में, तुम काफ़ी सारा ले लेते हो और उसको रगड़ते रहते हो तो कुछ वेस्ट भी हो जाता है जब तुम उसको थूकते हो, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट भी उसमें दिखता होगा तुम्हें कि नीचे वेस्ट भी निकलता है. तो ऐसा मत किया करो, थोड़ा सा काफ़ी रहता है ना फैद, तुम देख सकते हो मैंने इतना लिया. तो मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ. सो मैंने ब्रश कर लिया, तुम देख सकते हो. तो काफ़ी टीथ वाइट लग रहे हैं अब. सो पहले ही वाइट थे मेरे टीथ. तो मैंने तुम्हें यूज़ करके दिखाया, मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था बट मैंने तुम्हें यूज़ करके दिखाया. मुझे दिखाना था कि इसकी फोम काफ़ी कम बनती है, जो भी अदर हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसकी फोम काफ़ी कम बनी थी, तुमने भी देखा होगा. तो थोड़े बहुत केमिकल्स ऐड हो सकते हैं इसमें, बट काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स ऐड नहीं है, तो काफ़ी हार्म केमिकल नहीं है जो तुम्हारे टीथ या यहाँ की स्किन को ख़राब करें.
तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो, तो ही मैंने इसको यूज़ करके दिखाया। सो काफ़ी अच्छा टूथपेस्ट है, तुम इसको दिन में 2 बार यूज़ करो अपने टीथ पे, तो तुम्हारे टीथ काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और जो भी मसूड़े हैं तुम्हारे वो भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। कोई भी स्वेलिंग वगैरह आ जाती है या खून वगैरह आता है, तुम इसको रेगुलर यूज़ करो, वो सही रहेंगे। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो ये है मेरी इंस्टा आईडी, तुम मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तुम्हें कोई भी क्वायरीज हो मुझे कोई भी वीडियो से रिलेटेड, तो तुम मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना, तो तुम यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। सो आई होप गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ एंजॉयड दिस वीडियो बी श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे ब्लेसिंग मी डूड।